Hi programmers, in आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि 2023 के अंदर जावा, C++ एंड पाइथन में से कौन सी लैंग्वेज है जो आपको सीखनी चाहिए। अब वैसे तो कोई भी लैंग्वेज सबसे बेस्ट या सबसे शानदार नहीं होती, क्योंकि हर लैंग्वेज के अंदर लॉजिक आपका सेम रहता है, बस उसको लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। तो कौन सी लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए, उसका बेस्ट क्राइटेरिया डिसाइड करने का होता है हमारा यूज केस, कि इस लैंग्वेज को हम किस पर्टिकुलर काम के लिए यूज करने वाले हैं। वो आपकी कॉलेज की प्लेसमेंट हो सकती है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकती है, वो वेब डेवलपमेंट हो सकती है, वो डेटा साइंस हो सकता है, मशीन लर्निंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब वैसे तो वीडियो के अंदर हम लॉजिकली पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर जिन स्टूडेंट्स को शॉर्ट में जानना है तो उनके लिए मैं समरी बता देती हूं पूरी, कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है केस नंबर वन जो बिल्कुल पाइथन डेवलपर बनने में इंटरेस्टेड है कि मुझे तो पाइथन के अंदर ही डेवलपमेंट करनी है, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने पूरा मन बना लिया कि मुझे तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस की फील्ड में ही जाना है और उसी की प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, तो ये फर्स्ट केस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें बिना किसी दोहराए के पाइथन ही सीखनी चाहिए। दूसरा केस आता है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने शायद 11th 12th के अंदर स्कूल के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर C++ के बेसिक्स तो सीख ही लिए थे। बेसिक्स यानी आपको पता है C++ वेरिएबल्स कैसे लिखते हैं, डेटा टाइप्स कैसे लिखते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स एंड उसके साथ-साथ फंक्शंस आपको लिखने आते हैं। पर अब आपने C++ के अंदर DSA भी सीखना शुरू कर दिया है, जिसके अंदर आपका रिकर्जन आ जाएगा, एरेज आ जाएंगे, वेक्टर्स आ जाएंगे, लिंक लिस्ट तक इतना आप कर चुके हैं या करने की तैयारी कर चुके हैं, या फिर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कोर कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में है। कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग यानी जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर या कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और सिर्फ सवालों को सॉल्व करते हैं। यहां मैं प्लेसमेंट के कोडिंग टेस्ट की बात नहीं कर रही, कंपेटिटिव कोर CP की बात कर रही हूं। तो अगर आप इन दोनों केसेस में लाए करते हैं कि आपने C++ के अंदर DSA स्टार्ट कर दिया है या फिर आपको CP के अंदर जाना है, तो फिर आपको बिना किसी शक के C++ के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए एंड उसी को सीखना चाहिए। थर्ड केस आता है बाकी सारे स्टूडेंट्स का जो शायद शुरुआत से शुरू करना चाह रहे हैं, जिन्हें शायद सिर्फ प्लेसमेंट ओरिएंटेड तैयारी करनी है पर कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है, जो शायद डेटा साइंस और मशीन लर्निंग को उतना ज्यादा सीरियसली एज अ करियर परस्यू करने का नहीं सोच रहे, तो वो सारे स्टूडेंट्स को शुरुआत करनी चाहिए जावा के साथ। अब डिस्कस करते हैं कि ये जो समरी आई इसके पीछे का लॉजिक क्या है। सबसे पहले जिस लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे वो है पाइथन। पाइथन बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल लैंग्वेज है, बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड आसान टू अंडरस्टैंड है। बिल्कुल आप शुरुआत में पहली बार सीख रहे हैं तो आपको इंग्लिश जैसी लगेगी एंड इसके साथ साथ इसका जो कोड होता है वो बहुत छोटा होता है। सेम कोड अगर आपको जावा या C++ के अंदर लिखना पड़ेगा तो उसमें आप ज्यादा लाइनें लिख रहे होंगे, पाइथन के अंदर कम लाइनें लिखनी पड़ेगी। पर मुझे जो पाइथन के बारे में बेस्ट चीज लगती है वो उसकी लाइब्रेरीज है, जैसे नंपाई हो गई, स्काईकिट लर्न हो गई, पांडास हो गई, आपका पाइटॉर्च हो गई, केराज हो गई, इसके साथ साथ टेंसर फ्लो एंड और भी बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज जो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस को बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से सीखने के लिए एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। तो इसीलिए अगर आप AI, ML, डेटा साइंस ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आज की डेट में पाइथन से बेटर लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। और दूसरा केस आ जाता है उन स्टूडेंट्स का जिनको पाइथन के अंदर डेवलपमेंट करनी है, और इसके लिए भी काफी सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे आपका जैंगो हो गया, जैसे आपका फ्लास्क हो गया। तो अगर आपका फिक्स है कि मुझे पाइथन के अंदर ही डेवलपर बनना है तो फिर आपको पाइथन को परस्यू करना चाहिए। पर जो एक ड्रॉबैक आता है पाइथन की वजह से वो होता है इंडियन प्लेसमेंट सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ पर कॉलेजेस के अंदर जब हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आती हैं, यूजुअली वो कंपनीज जो हाई पैकेजेस ऑफर करती हैं, वो आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट्स पूछेंगी इंटरव्यूज के अंदर एंड उसके साथ साथ आपके कोडिंग टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगी। इसीलिए आपको एक ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें नंबर वन वो लैंग्वेज थोड़ी सी फास्टर हो एग्जीक्यूट होने में एंड नंबर टू उस लैंग्वेज के अंदर बिना किसी लाइब्रेरी को किए आप कोर कॉन्सेप्ट्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट कर पाए। अब इसमें पाइथन का ड्रॉबैक आता है दोनों केसेस के अंदर। पहला ये कि पाइथन जावा एंड C++ के मुकाबले काफी स्लो लैंग्वेज है एग्जीक्यूशन टाइम की टर्म्स में, तो अगर आपको सेम लॉजिक इंप्लीमेंट करना है तो पाइथन में आपको काफी ऑप्टिमाइज कोड लिखना पड़ेगा अपने कोडिंग टेस्ट के अंदर एज कंपेयर टू जावा एंड C++। दूसरा ड्रॉबैक ये आता है कि पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, तो इसीलिए वहां पर ये चीज सीखना कि बिना किसी लाइब्रेरी को यूज किए हुए कोर कॉन्सेप्ट्स को कैसे मैं अप्लाई करूं, वो आप चाहे तो सीख सकते हैं पर उसके आज की डेट में रिसोर्सेज काफी कम अवेलेबल हैं एज कंपेयर टू जितनी इजीली आपको जावा एंड C++ में रिसोर्सेज मिल जाएंगे। इसीलिए पर्सनल एडवाइस मेरी ये है कि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको पता है कि आपसे DSA पूछा जाएगा, आपके कोडिंग टेस्ट होंगे, तो फिर आपको जावा एंड C++ में से एक लैंग्वेज के साथ जाना चाहिए rather than Python। लेकिन अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आप पाइथन को सीख सकते हैं।
अब बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड प्लेसमेंट सिनेरियो के हिसाब से। अब C++ को अगर हम जावा के साथ कंपेयर करते हैं तो C++ स्लाइटली फास्टर लैंग्वेज है एज कंपेयर टू जावा। इसीलिए मैंने सजेस्ट किया था कि अगर आप कोर कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं जहां पर बहुत छोटा सा टाइम भी काफी ज्यादा मैटर करता है तो उस केस में आपको C++ के साथ जाना चाहिए। या फिर अगर आपने ऑलरेडी काफी सारी C++ सीखी हो, इसके अंदर DSA स्टार्ट कर दिया है तो आपको कोई खास नुकसान नहीं होगा, तो भी आपको C++ के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप बाकी सारे केसेस में आते हैं तो हमें जावा के साथ जाना चाहिए। जावा को क्यों सजेस्ट कर रही हूं, उसके पीछे के दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन यह है कि इंडस्ट्री के अंदर जावा बहुत ज्यादा यूज होती है एज कंपेयर टू C++। इनके यूजेज की अगर बात करें तो जावा का यूजेज इंडस्ट्री के अंदर आपका वेब डेवलपमेंट के लिए होता है, आपका एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए होता है, उसके साथ साथ GUI एप्लीकेशंस भी बनती है। एंड C++ का यूजेज आपका हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स के अंदर होता है या वो एप्लीकेशंस, वो सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली आपके सिस्टम के साथ काम करते हैं वहां पर हो रहा होता है, जो काफी स्पेसिफिक कंपनीज ही कर रही होती हैं। तो अगर आप पहले से ही जावा के अंदर DSA वगैरह सीख कर आए हैं तो इंडस्ट्री के अंदर जाकर थोड़ा सा डेवलपमेंट के लिए जावा सीखने में आपको हल्की सी आसानी होगी। अब यहां पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि अगर आपने DSA जावा के अंदर किया हुआ है तो हमें डेवलपमेंट पहले से ही आता होगा या हमें बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बिना किसी परेशानी के या बिना कोई टाइम लगाए हम डेवलपमेंट को सीख जाएंगे। ऑब्वियसली डेवलपमेंट को सीखने में हमें टाइम लगेगा, बट वो जो लर्निंग कर्व होगा वो हमारे लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। एंड दूसरा रीजन जिसकी वजह से जावा रेकमेंड किया है वो ये है कि इन तीनों लैंग्वेजेस को जब हम कंपेयर करते हैं, हमारी पाइथन सबसे आसान होती है सीखने में एंड C++ को मैं कहूंगी कि जावा से हल्की सी डिफिकल्ट होती है सीखने में। अब जावा जो है वो बिल्कुल मिड में आता है तो वो आपको एक अच्छा सा बैलेंस प्रोवाइड करता है। अगर आपने जावा जैसी लैंग्वेज पहले ही सीख ली है तो बाद में आपको पाइथन जैसी लैंग्वेज सीखने में बहुत ही आसानी होगी, बट अगर आप पाइथन से जावा या C++ में शिफ्ट होना चाहते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा चीजें सिंपल चलती हैं बेसिक से। इसीलिए अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं तब तो आपको बिल्कुल पाइथन के साथ स्टार्ट करना चाहिए, पर कॉलेज में क्योंकि हम डेडिकेटेडली चीजों की तैयारी कर रहे हैं, डेडिकेटेडली हम डेवलपमेंट में करियर बनाना चाह रहे हैं, डेडिकेटेडली हम प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सिनेरियोस के हिसाब से हमें पाइथन की बजाय जावा से अगर हम शुरू करेंगे तो बाद में डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। बट वहीं पर अगर हम C++ सीखते हैं तो C++ के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे पॉइंटर्स का अगर मैं एग्जांपल लूं तो आपको मेमोरी एलोकेट डी एलोकेट काफी ज्यादा मैनुअली करनी पड़ती है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखते टाइम वो चीज आपका काफी ज्यादा टाइम ले लेती है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप जावा के साथ शुरुआत करते हैं तो काफी सारे जो फीचर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, उसके अंदर गार्बेज कलेक्शन जैसी चीज आ जाती है जो आपकी DSA वाली जर्नी को भी और थोड़ा सा सिंपल बना देती है। एंड पॉइंटर्स ऐसी चीज है अगर आपको जावा आता है एक दो दिन के अंदर अच्छे से सीख पाएंगे, पर अगर आप C++ के अंदर सीख रहे हैं तो उसमें आपको हर डेटा स्ट्रक्चर करते टाइम पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को, उसकी जो उलझने हैं, मेमोरी लीक जैसी जो प्रॉब्लम्स है उनके साथ डील करना पड़ेगा। इसीलिए एक अगर हम परफेक्ट बैलेंस ढूंढ रहे हैं अपनी लर्निंग जर्नी के लिए तो उसके लिए मैं आपको जावा एडवाइस करती हूं। तो आई होप कि इस वीडियो से हमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी कि कौन सी लैंग्वेज हमें अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी के अंदर सीखनी चाहिए। एट द एंड मेरा आपके लिए यही मैसेज है कि कोई भी लैंग्वेज बुरी नहीं होती, आप कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा 2 साल बाद कि मैंने क्यों इस लैंग्वेज को सीखा। बस जितना ज्यादा हम उस डिसीजन को बेस्ट बनाते जाएंगे उतना बेटर है। एंड एज अ प्रोग्रामर आप अपनी पूरी जर्नी में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखेंगे जैसे कि आपको सीखनी चाहिए, इसीलिए मैं तो ये एडवाइस करती हूँ कि कॉलेज टाइम पे एटलीस्ट 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो हमें एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अब एक यूजुअली हमारी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम करते टाइम हमें एक्सपीरियंस हो जाता है एंड दूसरी का एक्सपीरियंस हमें प्रोजेक्ट्स बनाते टाइम या डेवलपमेंट करते टाइम हो जाता है, तो वो जो बैलेंस है वो भी बना रहना चाहिए हमारी पूरी जर्नी के अंदर। एंड इसके साथ साथ अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको शायद घबराहट हो रही हो कि नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एकदम से कैसे सीखें, या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो भी सोच रहे हो कि शिफ्ट कैसे करें, तो कभी भी अगर हम कोडर बनना चाह रहे हैं, अगर हम प्रोग्रामर बनना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो नई चीज़ों को सीखने से कभी भी पीछे नहीं हटना है, कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि हमारी ये जर्नी ऐसी है जिसमें हम हर टाइम कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे, नई प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे होंगे एंड नए सॉल्यूशंस को बनाकर ला रहे होंगे। तो इसके अलावा कोडिंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।